क्या होगा दोस्तों अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको बहुत छोटे से जगह में जितने आपके कमरे होते हैं, कमरे के साइज होते हैं, उतने छोटे क्षेत्र में मैं आपको मछली पालन करने के तरीके बताने वाला हूं। आप थोड़ा सा चौंकेंगे जरूर, आप थोड़े आपके दिमाग में थोड़े क्वेश्चंस जरूर आएंगे कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, इतने छोटे से रूम में कोई मछली पालन कैसे कर सकता है। लेकिन आपको मछली वाला भैया एक नए तरीके आपके सामने पेश करने वाला है जिसकी मदद से दोस्तों आप मिनिमम क्षेत्रफल में भी मछली पालन कर सकते हो, और इस तकनीक का नाम है बैकयार्ड फिशिंग। बैकयार्ड फिशिंग का मतलब होता है जो आपके घर की बाड़ी होती है ना, छोटी सी जगह जहां पर आप सब्जी भाजी उगाते हो, उन छोटे से जगह में भी आप मछली पालन कर सकते हो। आपने बहुत बड़ा बड़ा तालाब देखा होगा, बांधे देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको छोटे से जगह में भी मछली पालन करने के तरीके बताऊंगा। हे माइसेल्फ उन्मेश टहरिया, मैं हूँ आपका मछली वाला भैया उन्मेश टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर। किसान भाइयों, हमारे भारत में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो आपके बैकयार्ड फिशिंग में मदद करेंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तरीके बताता हूँ यार कि वो कौन कौन से तरीके हैं जो आप छोटे से जगह में भी मछली पालन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो तीन चार टेक्निक्स हैं। पहला तरीका है वो है आपका बायोफ्लॉक सिस्टम। बायोफ्लॉक सिस्टम के बारे में आपने बहुत आजकल सुन रहा होगा कि बहुत सारे लोग हैं वो पैसे लगा करके एक टैंक में मछली पालन कर रहे हैं जहां पर मछलियों का खाना, मछलियों की पॉटी और एरिएशन सारे एक ही कल्चर सिस्टम में हम लोग लगाते हैं और मछली का पालन करते हैं। यहां पर एक फ्लॉक तैयार किया जाता है जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, फीड, उसके म्यूकस और प्लैंकटन का एक ग्रुप होता है जिसको खा करके मछलियां अच्छे से ग्रोथ करती हैं, और फीड और पानी का जो वेस्टेज है इसमें बहुत कम होता है। और आजकल हमारी गवर्नमेंट है वो बायोफ्लॉक सिस्टम के लिए सब्सिडी भी दे रही है। आप प्रति टैंक, मतलब टैंक के साइज के हिसाब से 10,000 लीटर, 50,000 लीटर, तो अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से आपको सब्सिडी सरकार है वो दे रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो। मिनिमम इसके लिए दोस्तों एक टैंक जो आप लगाते हो उसके लिए आपको मिनिमम 5 से 10 डिसमिल क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बस एक टैंक जो 10,000 लीटर की कैपेसिटी की होती है उनको एस्टेब्लिश करने की बस जगह चाहिए रहती है। न ही आपको अलग से बोरवेल खुदवाने की जरूरत पड़ती है, न ही आपको अलग से इरेशन सिस्टम लगाना पड़ता है, बस सारे सिस्टम है वो एक ही टैंक में होती है। की बात करें तो इसमें आपकी गवर्नमेंट है वो 40% की सब्सिडी भी देती है, और एक टैंक में मिनिमम आपके 3 लाख रुपए तक के खर्चे हैं वो आ जाती है। तो अगर आपके पास पैसा ज्यादा है लेकिन जमीन नहीं है, वो फार्मर बायोफ्लॉक सिस्टम को अपना सकती है। दूसरा हमारा तरीका होता है दोस्तों आपके ऑर्नामेंटल फिशरीज। ऑर्नामेंटल का क्या मतलब होता है, जो रंगीन मछलियां होती है। आप हॉस्पिटल पर गए होंगे, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में गए होंगे जहां पर एक छोटे से कांच के ग्लास में बहुत सारी मछलियां वो तैरती रहती हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत, प्यारे से, क्यूट से, तो उन मछलियों का भी आप पालन कर सकते हो। देखिए मैं आपको 3-4 मछलियां बताता हूँ। पहला आपका आता है गोल्ड फिश, दूसरा आता है आपका गप्पी, तीसरा आता है मौली और चौथा प्लेटी। ये मछलियां जो रंगीन मछलियां होती हैं वो ठंड में आसानी से पालन कर सकते हैं इसको, ठीक है। मिनिमम आपको एक छोटा सा गड्ढा तैयार करना है, चाहते हैं अगर आप चाहिए तो जो हम लोग नर्सरी क्या बोलते हैं यार उसको, हाँ एक्वेरियम, सॉरी एक्वेरियम जो बोलते हैं ना, उसको आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, फॉरेन में बहुत ज्यादा एक बिजनेस मॉडल के रूप में लोग एक्वेरियम बेच करके पैसे कमाते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ इंडिया में थोड़ा सा एक्वेरियम का प्रचलन है, वो अभी अभी चालू हो रहा है। तो ये भी एक बिजनेस मॉडल है कि आप एक्वेरियम कंस्ट्रक्ट करके रंगीन मछलियों को उसमें डाल करके और अच्छे से उसको डेकोरेट करके भी आप सेल कर सकते हो। एक एक एक्वेरियम है, एक मेरा दोस्त है रायपुर में रहता है, वो एक्वेरियम का बिजनेस करता है और अच्छा खासा पैसा है वो कमा लेता है। तो आपको अगर एक्वेरियम नहीं बनाना चाहते तो छोटे से गड्ढा ही आप अपने बैकयार्ड में तैयार करिए, 10x10 का, 20x20 का, अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से। वहां पर आप इन मछलियों को बस डाल दीजिए और आपको जो एक्वेरियम फीड आता है छोटा छोटा साइज का, उसको आपको खिला देना है बस, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है। ये मछलियां अपने आप ब्रीडिंग करती हैं, बस ब्रीडिंग के समय आपको उस बच्चे को कलेक्ट करके दूसरे जो आप छोटा सा तालाब बनाएंगे या फिर जो नर्सरी बनाएंगे उसमें आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि शहर में रंगीन मछलियों का डिमांड है, तो वहां पर प्रति मछली के हिसाब से कोई 10 रुपया, कोई 50 रुपया, इस हिसाब से मछलियां हैं वो बिकती हैं।
इसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है, तो आपको रंगीन मछलियों के पालन में भी बहुत फायदे हो सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़े से इसके बारे में पढ़ना पड़ सकता है। मैंने इस पर वीडियो भी बना सकता हूं अगर आप चाहोगे तो, बट आप खुद अपना दिमाग लगा करके गूगल से थोड़ा रिसर्च करके पढ़ करके आप रंगीन मछलियों का ब्रीडिंग या फिर रीयरिंग के तरीके हैं वो आप सीख सकते हो। दूसरा हमारा तरीका होता है दोस्तों कैट फिशेस का पालन। आपने यूट्यूब पर खासकर बंगाल साइड में जो वेस्ट बंगाल होता है और जो नॉर्थ ईस्ट होता है त्रिपुरा हिल एरिया, वहां पर लोग अपने छोटे से बैकयार्ड में भी कैट फिशेस मछली का पालन करते हैं। आपने देखा होगा कि बल्क में बहुत सारे मछलियों को फीडिंग कराते हुए आपने वीडियोस जरूर देखे होंगे, तो वो भी बैकयार्ड फिशिंग का ही उदाहरण है दोस्तों। आप भी उसी तरीके से फार्मिंग कर सकते हो। खासकर दो तीन मछलियां आपको बताता हूं। सबसे पहला आता है आपका मांगुर, जो आपकी हाइब्रिड मांगुर या फिर देसी मांगुर, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। उसके अलावा आपकी सिंघी मछली, मेरे हिसाब से ये दो मछलियां परफेक्ट है अगर आप अपने तालाब की छोटे से जगह में अपने बाड़ी में मछली पालन करना चाहते हो। उसके लिए फीडिंग की बात करें, मेरा एक दोस्त था वो तिलपिया मछली का पालन कर रहा था अपने 5 डिसमिल के तालाब में। 5 डिसमिल के तालाब में उसने फीड और सीड मिलाकर के टोटल 45,000 रुपए उसने खर्च किया था और 3 या 4 महीनों में दोस्तों उसने 35,000 रुपए तक की उन्होंने कमाई कर ली थी। तो यार ज्यादा घाटा नहीं है अगर आप छोटे लेवल पर कर रहे हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट भी कम रहता है। और एक बार जब आप मछली पालन के लिए एक्सपर्ट बन जाते हो, एक बार फार्मिंग कर लेते हो, उसके बाद आप उसको बढ़ा करके बड़े क्षेत्र में भी आप पालन कर सकते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस जैसे ही आता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, फिर आप अच्छे से मछली पालन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप आमसी मछलियों का या फिर कैट फिशेस का नर्सरी पालन भी तैयार कर सकते हो, क्योंकि बच्चों का डिमांड है आजकल साल भर होते रहता है, क्योंकि साल भर आजकल मछलियों की जो कल्चर है प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो अगर आप किसी हेचरी से स्पॉन खरीद करके अपने जो बैकयार्ड है अपने बाड़ी में आप छोटा सा नर्सरी तैयार करिए, जहां पर 1.5 मीटर का आप गहराई रखिए और अपना जो छोटा सा क्षेत्रफल में भी आप नर्सरी आप जो स्पॉन होता है उसका पालन कर लीजिए। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप महंगी मछलियां जिनके फ्राई या फिर फिंगरलिंग का प्राइस बहुत बढ़िया रहता है, जैसे आपका ग्रास कार्प हो गया, कॉमन कार्प हो गया और ये आपकी कतला मछली हो गया, इन लोगों की जो फ्राई और फिंगरलिंग बच्चे होते हैं उनके डिमांड बहुत ज्यादा है और प्राइस भी आपको ज्यादा मिलता है। तो अगर आप चाहें तो छोटा सा नर्सरी तालाब में भी आप इन मछलियों का नर्सरी पालन करके मछली पैसे कमा सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ होगा तरीके, उसको भी आप नीचे कमेंट करके और किस टॉपिक पर मैं अगला वीडियो बनाऊं उसको भी आप मुझको सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।